विराट की कप्तानी में भी हम बायलैटरल सीरीज जीत रहे थे, वर्ल्ड कप के बाद आपकी कप्तानी में भी हम बायलैटरल सीरीज जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब बड़े इवेंट्स आते हैं जैसे वर्ल्ड कप रहा हो या एशिया कप रहा हो, तब इस टीम को क्या हो जाता है? क्योंकि जब हम अगर इंडिविजुअल खेलते हैं न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से हम जीतते हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? कमी यार अभी कमी कहीं नहीं है, क्वालिटी तो टीम में है। इतने मैचेस हमने खेले हैं, जीते हैं। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पे ऑपोजिशंस अलग अलग होते हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक बायलैटरल में एक ही ऑपोजिशन के साथ 3-5 मैच खेलते हो, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये ऑपोजिशन आज इन्होंने ऐसा किया है, कल हमें पता है कि हमें क्या प्लान से आना है। बट जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हो, वर्ल्ड कप, एशिया कप, यहाँ पे चैलेंज इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग टीम सामने आती है, अलग अलग प्लान से आएगी। तो इस चीज़ के बारे में हमने काफ़ी बात की है ड्रेसिंग रूम में कि हमें टीमों के आगे रहना चाहिए और हमारी जो सोच है वो सोच को हमें आगे रखना चाहिए, क्योंकि तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ देखिए, अनफॉर्चुनेट है अभी जैसे आप बोल रहे हो ICC वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अभी एशिया कप में हम 2 मैच हार चुके हैं। ये चैलेंज है हमारे लिए, हम सारे लड़के, सारी टीम जानती है कि हमें, हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है ICC टूर्नामेंट्स में। बट अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखोगे ICC का, हमने सेमीफाइनल्स, फाइनल्स खेला है, फाइनल्स जीता भी है। तो आई डोंट थिंक कि इतना हमें सोचने की ज़रूरत है उस चीज़ को लेके। बट हाँ बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल होता है, और यहाँ पे काम हमारा यही है कि वो लड़कों को प्रेशर सिचुएशन में जब होते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि कैसे डिसीजंस लेने, कैसे कौन से बॉल्स डालने हैं, बैटिंग जब आप कर रहे हो अंडर प्रेशर तो कौन से शॉट्स खेलने। I mean, turning point was the start they got. Obviously, I mean, when you are 90 odd for no loss, you are already on a back foot, you know, in about 10 overs. So you are looking at getting 70 runs, 70, 75 runs in the next 10 overs with 10 wickets in hand. So I thought, you know, they got a brilliant start, and it's always tough to come back from that situation. We tried hard to get wickets, but unfortunately wasn't our day, and our execution was not up to the point as well. The certain things we spoke of, we were not really there to execute those plans. One new bowler, Vishan Madhusan, you got 3 wickets including Virat Kohli. How do you feel about that new young bowler? Good bowler, I think he's a good bowler. He's got some pace as well. And yeah, I mean, I've seen him for the first time, but he looked good. He's got good potential. Rohit, I'm from Adhiran. Rohit, भाई सिक्स बॉलिंग ऑप्शन के बारे में बहुत चर्चा हुई थी पिछले वर्ल्ड कप में, इस बार भी हमने देखा दीपक हुड्डा थे लेकिन गेंदबाजी नहीं की। रविंद्र जडेजा की इंजरी ने क्या अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ा दी है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि एक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन टीम इंडिया के लिए ज़रूरी है, और अगर वो है तो दीपक हुड्डा या फिर अक्षर पटेल, इनमें से आप आने वाली सीरीज में किसी को लेकर आगे चल रहे हैं, सोच क्या है टीम इंडिया के लिहाज से? नहीं देखिए, हमारे पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन है, बट हमें जैसे मैंने बताया कि हमें 5 बॉलिंग ऑप्शन से भी ट्राई करनी है, चीज़ें देखनी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज हुड्डा थे, बट जैसे मैंने बताया कि उनके दोनों राइट हैंडर्स खेल रहे थे, सेट थे, तो मुझे लगा नहीं कि मैं उसको उस टाइम पे ला सकता हूँ, क्योंकि हमें विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो जो हमारे अटैकिंग स्पिनर्स है जैसे अश्विन और चहल, मुझे उनसे बॉल कराना था। अगर हमें विकेट जल्दी मिल जाती तो मेरे प्लान में था दीपक हुड्डा को बॉलिंग कराना, बट 6 बॉलिंग ऑप्शन इज़ ऑलवेज नाइस, हमें पता है ये, और हमने मैचेस 6 ऑप्शन से काफ़ी खेले। जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे ये हमारी सोच रहेगी कि हमें ऐसे कॉम्बिनेशन से खेलना है जहाँ पे 6 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हो, तो ऑप्शंस है हमारे पास, और वर्ल्ड कप में हम जब जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन से खेलने की कोशिश करेंगे। फाइनल